यू सो मच एंड मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारी ट्रेनिंग आपने ली और बहुत मुझे पता है कि बहुत लोगों की जिंदगी में ये जो इवेंट है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस और नो? यस। मैं अपना बताऊं तो मैंने कई बार ट्रेनिंग में ये बात कही है कि एक लेडी को देखकर मैं इंस्पायर हुई, ना मुझे सिद्धार्थ जी ने इंस्पायर कर पाए, ना मेरी मदर, ना घर के लोग। तो वैसे भी आपको पता थोड़ा सा लगता है कि नहीं ठीक है ये कर रहे होंगे, पर एक इवेंट का हिस्सा बनी जहां से मैं निकली। तो इवेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आज एक स्टोरी के माध्यम से कुछ और मैसेज मैं देना चाहती हूँ आपको। बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है, सुनना चाहेंगे? यस। एक बार एक गधा होता है और एक टाइगर होता है, दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती होती है। तो दोनों एक जगह मिलते हैं जंगल में और जाते हैं। तो गधा बोलता है, भाई आज मैं तेरे को एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। तो उसने बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो। गधा कहता है, भाई ये जो घास दिख रही है ना, ये घास है नीले रंग की। तो वो कहता है, टाइगर कहता है, पागल हो गया क्या, घास कोई नीले रंग की होती है? घास तो हरी होती है। कहता है, ना तू इसको देख, ध्यान से देख, ये घास जो है वो नीले रंग की है। इस बात पे बहस 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब वो मिलते थे तो गधा कहता था, भाई ये नीली है घास, और टाइगर कहता था कि भैया ये कहां से नीली है, घास तो हरी होती है भाई, तुझे गलत फहमी हो गई है। बात हो गई, बड़े नक्के पे पहुंच गई, बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। तो अब बात आई कि भाई बात का फैसला तो होगा, दो लोगों में जब टक्कर होती है तो बात का फैसला तो करना है। अब फैसले के लिए बचे जंगल के राजा शेर। शेर के पास चलेंगे भाई और हम दोनों जाके जो वो शेर महाराज बोलेंगे हम उसी बात को मानेंगे। दोनों गए शेर के पास और शेर से पूछे कि महाराज जी, गधे ने बोला, महाराज जी घास का रंग नीला होता है। तो उन्होंने बोला, तुम कह रहे हो ऐसा तो ठीक। तो टाइगर बड़ा परेशान हो गया, उन्होंने बोला, अरे शेर भी यही बात बोल रहे कि घास का रंग नीला होता है। और उन्होंने बोला, नहीं नहीं महाराज हरा होता है। उसने बोला कि तुम ज्यादा मत बोलो। गधा बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश होके बोला, देखा देखा 10 दिन से ये बात कह रहा था मैं कि घास का रंग नीला होता है। और बड़ा इस बात में बड़ा प्राउड आया उसे और बोला, महाराज 10 दिन इसने मुझे बहुत परेशान किया, इसको कोई पनिशमेंट दो। तो टाइगर को महाराज शेर ने दिया पनिशमेंट कि भाई अब तुमको 3 दिन मौन व्रत धारण करना है। तो टाइगर क्या कहता, चलो भाई ठीक है, जैसा भी शेर ने बोला, जो भी जंगल के राजा है उन्होंने बोला उसको मानना पड़ेगा। 3 दिन बाद उसको बड़ी हुड़क मची और उसने सोचा कि यार ये बात गलत है, अभी भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि घास जो है वो नीली होती है। वो गए महाराज जी के पास, बोले महाराज जी एक प्रश्न है मेरा। तो उन्होंने बोला, भाई बोलो। उन्होंने बोला कि आपने क्यों उस दिन ये मान लिया, आपको भी पता है कि घास जो होती है वो हरे रंग की होती है, नीले रंग की नहीं होती। तो कहता, इसलिए मैंने माना क्योंकि गधा है वो, उससे आर्ग्यूमेंट करके तूने 13 दिन अपने बर्बाद किए हैं। हर आर्ग्यूमेंट को जीतने की जरूरत नहीं होती है। जब तुम्हें विश्वास है कि घास का रंग हरा होता है तो आर्ग्यूमेंट में पढ़ने की क्या जरूरत थी। यही चीज हम सबके साथ होती है। कैसे होती है, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे वेस्टीज, अब तो वेस्टीज में सैचुरेशन पॉइंट आ गई है, नए लीडर बोल रहे हैं आजकल। नेटवर्क मार्केटिंग तो अब तो कुछ और इंडस्ट्री आएगी, इसमें जॉइनिंग नहीं हो रही है, अब इनकम नहीं बन रही है, अब वो बात नहीं रही, लीडरशिप ही रह गई है एक्स वाई जेड ब्ला 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 ब्ला, जो भी आप सुनते होंगे। बहुत नई नई चीजें भी आप लोग सुनते होंगे। विश्वास खुद पे कीजिए। आपको दिखता है वेस्टीज में आज भी लोग लाखों का चेक लिख रहे हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Yes. आज भी लोगों के कारें आ रही है, लग्जरी कार आ रही है, क्या आपको विश्वास है? Yes. आ रही है, सबूत है? Yes. आज भी लोग ज्वाइन होते हैं और 6-6 महीने में अपनी इनकम 1-1 लाख कर रहे हैं, जो 6 साल में भी लोग नहीं कर रहे, क्या ऐसे लोग आपको प्रत्यक्षदर्शी हैं? Yes. है ना? Yes. तो विश्वास किस पे करना चाहिए भाई, अपने पे। दुनिया कुछ भी कहे, और ये एक मंत्र है सही में बताऊं, क्योंकि हमें भी सुनने को बहुत कुछ मिलता है, पर हमें पता है कि घास तो हरी ही होती है, दुनिया उसको नीली पीली लाल कुछ भी बनाए फर्क नहीं पड़ता, घास हरी है तो हरी रहेगी। वेस्टीज नंबर 1 थी, है और रहेगी। वेस्टीज से पावरफुल सिस्टम कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या सोचें? बनाता है।
तो काम पे फोकस करके अगर आप लगे रहते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिर बोलती हूँ सिस्टम पावरफुल है। मैं पीछे बैठे हुए यही बात कर रही थी, आज भी लोगों के चेक आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सैचुरेशन पॉइंट आ गया, कुछ लोगों के लिए नया इतिहास बन रहा है। यहाँ पर सिस्टम वही है ना, वेस्टेज वही है, प्रोडक्ट वही है। कहाँ पे प्रॉब्लम है? मेरी मानने के ऊपर, मेरे सोच के ऊपर। अगर वो चीज मैं आज यहाँ से पक्का करके जाऊं कि यही बेस्ट है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।